जैन साथी यूपी बोर्ड स्कूटनी रिजल्ट 2024 कब आएगा। साथी आप सबके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उठ रहा है और आप सबके बीच बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं बार बार कि सर जी हमारा रिजल्ट कब आएगा। साथी हम आपको, जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं, कितने नंबर आपके बढ़े हैं यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों रिजल्ट में आने में दोस्तों देरी क्यों हो रही है और प्रैक्टिकल एग्जाम आप सबका कब होगा और दोस्तों आपका रिजल्ट कब आएगा, सारे डाउट आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लियर कर देंगे। आप सबको दोस्तों बस क्या करना है, शुरू से आखिर तक यह वीडियो देख लेना है, बिल्कुल दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथी, आइए दोस्तों हम एक एक बातें बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें कितने नंबर आप सबके बढ़ रहे हैं। देखिए साथी आप सबको बता दूँ, जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाया हुआ है, यदि दोस्तों यदि लीगली वह कम नंबर पाया है तो यह तो श्योर है कि आपका उसका पढ़ेगा। यानी जो बच्चा कॉपी चेकिंग के दौरान उसने अपना, देखिए अपना वो 90% का किया हुआ है, यानी 90 नंबर का क्वेश्चन अटेंड किया हुआ है, उसको दे दिया गया है 50% यानी 50 नंबर, तो साथी उसको 100% दोस्तों गारंटी के साथ कह रहे हैं उस बच्चे का दोस्तों मार्क्स बढ़े हैं। और दोस्तों 10-20 नहीं, पूरे पूरे दोस्तों 40 नंबर, यानी पूरा उसको 90 नंबर दे दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों दोबारा जैसे कि आप सभी कॉपियों में दोस्तों मूल्यांकन में दो दो टीचर चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक टीचर जो है वो काउंटिंग करता है कि आपके जो क्वेश्चन सर चेक किए हुए हैं, जो दूसरा टीचर है वो अपना कॉपी चेक किए हैं, तो उसमें जो नंबरिंग दिए हुए हैं वो काउंटिंग के दौरान कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये चीज़ है, वो दोबारा चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही ऐसा वो ये भी चेक कर रहे हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, ऐसा दोस्तों आप सबकी कॉपी दो बार में चेक हो रही है। अब साथ ही आप सबको बता दूं कि आप सबके नंबर कितने बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों 40-40 नंबर बच्चों के बढ़े हैं एक एक सब्जेक्ट के। अब आप सब जिस हिसाब से कॉपी लिखे होंगे वो आप जानते होंगे, आपकी कॉपियों में कितने मार्क्स बढ़े होंगे आप स्वयं अब समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको परेशान नहीं होना, जितने नंबर का किए हो बिल्कुल आपको पूरा नंबर मिल रहा है बिल्कुल। और दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी जैसा दोस्तों चुनाव के बाद इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए हैं सभी दोस्तों अधिकारियों को, सभी दोस्तों प्रशासन के जितने भी दोस्तों आप सबके हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड संबंधित या दोस्तों अदर जो भी दोस्तों कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा दोस्तों मिशन मोड में चल रहा है मामला, यानी बहुत तगड़ा दोस्तों काम चल रहा है। अब आप सबका दोस्तों, अब हम बता दें रिजल्ट आने में देरी क्यों है और दोस्तों रिजल्ट अब कब आएगा। दोस्तों अब आप सबको ज़्यादा इंतजार रिजल्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा। देखिए रिजल्ट आने में दोस्तों यदि हम देरी की बात करें तो दोस्तों इसका देरी इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों चुनाव था, उसके बाद दोस्तों चुनाव के जस्ट बाद आप सबकी दोस्तों बिल्कुल अब प्रैक्टिकल की तैयारी, प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं था, प्रैक्टिकल की अब तैयारी किया जा रहा है, प्रैक्टिकल आप सबका जल्द करा लिया जाता है। और हाँ, कुछ बच्चे जैसे कि मान लीजिए बच्चों आप सबके बीच हैं और वो फेल थे, तो दोस्तों बहुत बच्चों का रिजल्ट अपडेट किया जा रहा है, रिजल्ट आ भी रहा है साथ ही साथ, यानी दोस्तों रिजल्ट अपडेट हो जा रहा है सभी का। ठीक है, तो वो आप सब चेक करते रहिएगा अपना अपना। ठीक है दोस्तों, बाकी लिस्ट दोस्तों फाइनली आएगी ही, लेकिन रिजल्ट अब अपडेट होने लगा है, बहुत बच्चों का हो चुका है, 10 से 15 बच्चे ऐसे हो गए हैं मेरे संपर्क में जिनका दोस्तों अपडेट हो चुका है, ये दोस्तों मुझे पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे जानकारी है। ठीक है ये दोस्तों, तो ऐसा आप सबको डाउट होगा तो बताइएगा दोस्तों, हम रोल नंबर बता देंगे बच्चों का, आप सब चेक कर लीजिएगा, आप सब स्वयं देखेंगे कितना चेंजेस हुआ है उनका, दोस्तों 5-5, 10-10 नंबर आराम से बढ़े हुए हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल थे उनका बता रहा हूँ, जो बच्चे पास थे उनका दोस्तों बढ़ेगा ही, बड़े श्योर है। अब साथी अब देखिए क्यों आने में देरी हो रही है, केवल दोस्तों चुनाव के कारण और दोस्तों प्रैक्टिकल के कारण। ठीक है, चुनाव बीत गया है, अब प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, सभी बच्चों का दे दिया जाएगा रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कब होगा, तो दोस्तों आप सबका प्रैक्टिकल एग्जाम इसी वीक लगभग करा लिया जाएगा, संभवतः दोस्तों इसी वीक आप सबको मिल जाएगा डेट और क्लियरली आपका करा लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसी वीक का मतलब है कि दोस्तों 15-16 तक आप सबका करा लिया जाएगा तारीख तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सबको अपडेट मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है, 15-16 या दोस्तों आपका 17-18 भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वीक में दोस्तों आप सबका कवर किया जाएगा, तो दोस्तों आप सब मानेंगे 7 से 8 दिन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सबका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो आप सबको 20 अप्रैल के पहले दोस्तों देखने को मिल सकता है, बिल्कुल दोस्तों जिस तरह से दोस्तों काम चल रहा है, जैसा कि दोस्तों मैं पिछले दिन दोस्तों वहाँ पे दोस्तों जो काम चल रहा है भाई साहब बहुत तगड़े से बहुत तेज काम चल रहा है। ठीक है साथी, यानी दोस्तों आप सबकी रिजल्ट बहुत जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत जल्दी। ठीक है, परेशान नहीं होना है साथी। ठीक है, और दोस्तों जो वहाँ सब हमको अपडेट भी मिला है यही मिला है, तो परेशान नहीं होना है साथी, बहुत जल्दी रिजल्ट आप सबको मिल जाने वाला है। और साथी आप सबके बीच कोई बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करना जो पूछना चाहते हैं कि सर हमारा पर्सनल जो भी उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी उनकी जानकारी चाहिए उनको, तो दोस्तों आप सब कमेंट करके पूछ सकते हो, हम पूरा दोस्तों अपडेट आज की इस वीडियो में दे देंगे। इसके दोस्तों डिस्क्रिप्शन में यदि आप सब मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप सबको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बता देंगे, और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं, वहाँ पर भी जाकर दोस्तों आप सब मैसेज करके रिप्लाई वहाँ से पा सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी डाउट क्लियर करा दिया जाता है। ठीक है, केवल व्हाट्सअप मैसेज ही करिएगा, ठीक है, कॉल नहीं साथी। ठीक है,
कॉल के लिए दोस्तों यदि बहुत होगा तो दोस्तों इम्पोर्टेंट, तो हम दोस्तों खुद आपको बोल देंगे कि आप कॉल कर सकते हो, तो दोस्तों आपका कॉल पिक किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, बाकी दोस्तों अपने सभी मित्रों में एक बार जरूर शेयर करेगा, और दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे।